नमस्कार दोस्तों, आपका चैनल टीम टेक सपोर्ट में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है और एक नए वीडियो के साथ मैं विनय विश्वास फिर से हाजिर हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग आरएनएफआई की और एक नए प्रोडक्ट के बारे में बातचीत करेंगे और जानेंगे कैसे इससे परफॉर्म करना है। वीडियो के थंबनेल देखे आप लोग समझ गए हैं कि वीडियो का मकसद क्या है। वीडियो का मकसद है कि अगर आपने एनएसडीएल का पैन सर्विस एक्टिव कर ली है हमसे, तो इसके बाद आगे जाके आप कैसे पैन बनाएंगे। ओके, आप आगे चल के कैसे पैन कार्ड बनाएंगे या से पैन परफॉर्म करेंगे या फिर पैन अप्लाई करेंगे, ये चीज को देखना है। सबसे पहले प्राइस की अगर बात करें, आप काफी लोग बोलते हैं कि पोर्टल में 300 रुपए दिखता है, तो भाई मैं कहूंगा थोड़ा आंखों को थोड़ा छोटा करके देखो। नीचे लिखा है एक्सक्लूडिंग जीएसटी, इंक्लूडिंग नहीं। एक्सक्लूडिंग मतलब जीएसटी अलग से है, हर 100 रुपए में 18 रुपया जीएसटी है, तो 3 × 18 मतलब हो गया 54 रुपया, 54। तो कुल राशि जो होता है यहाँ पे 354 रुपया होते हैं। कंपनी आप सभी को मतलब एक्सक्लूडिंग लिखा है, जो लोग कम समझदार है उनको लगता है कि हम ज्यादा प्राइस कह रहे हैं, तो 300 रुपया यहाँ पे प्लस 58 रुपया जीएसटी है, 318 रुपया जीएसटी है, 100 रुपए में 300 रुपए में 54 रुपया जीएसटी है, 354 रुपया आपको देना होगा, इसके बाद ही एक्टिव हो पाएगा। इसको क्रॉस करके निकाल जाता है, नीचे देख सकते हैं यहाँ पे नीचे जो सारे ऑप्शन है, इसमें एक ऑप्शन है एनएसडीएल पेन का, दो ऑप्शन यहाँ पे अप्लाई और स्टेटमेंट। आप कितने पेन बनाया है वो सारा का स्टेटमेंट आप देखना चाहेंगे तो आप देख सकते हैं। अभी मैंने 3 बार ट्राई किया है, पैसा मुझसे कटा है कि नहीं कटा मैंने अभी तक चेक नहीं किया, मैं अभी चेक करूंगा एक बार करने के समय। 8,047 रुपया है और एक्शन में चेक कर लेता हूँ यहाँ पे, एक्शन पे ये मेरा फेल हो गया था, एंटिटी विद प्रोडक्ट एंटिटी इज नॉट अवेलेबल। अच्छा ठीक है, चलिए यहाँ पे तो हुआ नहीं तो कोई देखिए कोई फायदा नहीं है। तो 3 महीने यहाँ पे करने का प्रयास किया है ताकि हो पाए। इसके बाद मुझे जहाँ जाना है एज ए नया रिटेलर, आप कहाँ जाएंगे वो देखने के लिए हम यहाँ आए हैं। तो एनएसडीएल पेन पे जैसे जाएंगे आप अप्लाई बटन आपको मिलेंगे, अप्लाई बटन में क्लिक करते ही आपको यहाँ पे कुछ डेटा जो है आपको सिलेक्ट करना है। सबसे पहले जो फिजिकल पेन इसको सिलेक्ट करना है, इसके बाद आपको टाइटल में जाके श्री या श्रीमती ये सारी चीजें डालना है। इसके बाद आपको यहाँ पे डालना होगा लास्ट नेम, तो मैंने लास्ट नेम डाल दिया। और इसके बाद डालना है आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम, मिडिल नाम, अगर मिडिल बीच में कोई नाम है ही नहीं तो क्या करेंगे। आप बात करता हूँ जिनके पास फर्स्ट नेम है पर लास्ट नेम नहीं है, भाई इसको छोड़ देना, नहीं हो पाएगा यहाँ से फिलहाल, ठीक है, क्लियर एंड कट। जेंडर में मैं मेल डाल देता हूँ, इसके बाद सबमिट बटन में कर देता हूँ क्लिक, और सबमिट बटन में क्लिक कर देने के बाद ही देख सकते हैं ये डायरेक्ट एनएसडीएल की साइट में जो है वो रीडायरेक्ट हो गया है, assistedservice.egovernsdl.com, ठीक है। सारा कुछ यहाँ पे ऑलरेडी पहले से सेट है क्योंकि पहले से आपने तय करके आया है, तो यहाँ पे ऑटो सेट हो जाएगा, आप आगे कुछ चेंज नहीं कर सकते। कैटेगरी इंडिविजुअल है, आधार नंबर यहाँ पे जो है कस्टमर का डालना होगा, और इसके बाद टाइटल भी यहाँ पे सिलेक्टेड है, पहले से सब कुछ दे के आए हैं, जो देना होगा यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ देना होगा। आधार नंबर यहाँ पे मैंडेटरी है, तो आधार नंबर जो है आपको यहाँ पे डालना ही पड़ेगा। तो मैं एक आधार नंबर डाल देता हूँ, मेरा आधार नंबर मैंने यहाँ पे डाल दिया और मेरा डेट ऑफ बर्थ भी डाल देता हूँ। ठीक है, और जनरल मेल पहले से यहाँ पे सिलेक्टेड है, तो ये बॉक्स में चेकबॉक्स में कर देना है क्लिक। यूज बाय अदर डिटेल्स फॉर ई साइनिंग द पेन एप्लीकेशन, मतलब यहाँ पे आप अथॉरिटी दे रहे हैं कि आप वो लोग आपका सारे डिटेल को जो है वो इस्तेमाल कर सके, ठीक है। और इसके बाद आपको सबमिट बटन में क्लिक करना है। अगर सारा डेटा रेडी है तो कोई इशू नहीं, पर मेरा डेटा में कोई इशू है। डेटा में क्या इशू है यह भी बोला है, ऑन वेरिफिकेशन विद पेन डिटेल्स पेन हैज ऑलरेडी बीन इशूड अगेंस्ट प्रोवाइडेड आधार, मतलब उस आधार से ऑलरेडी पेन कार्ड बना हुआ है और नहीं हो पाएगा। सो इसी तरह से ये परफॉर्म करेगा, और ये चलता तो आरएनएफआई से है पर इसका बैकग्राउंड में जो है वो एनएसडीएल परफॉर्म कर रहा है। सारा डिटेल जो है वो इनकम टैक्स की साइट के साथ कनेक्टेड है, तो ऐसा कुछ नहीं कि यहाँ पे डालना पड़ेगा फिर कोई जाके बैकएंड से कुछ करेगा, ऐसा कुछ नहीं, सारा कुछ नॉर्मल है। तो आगे हम कोशिश करेंगे ताकि आप लोगों को एक लाइव भी दिखा सके किस तरह से लाइव ट्रांजेक्शन लाइव किया जा सकता है, पैन कार्ड कैसे लाइव करते हैं उसको भी हम आगे दिखाने की प्रयास करेंगे। फिलहाल इस वीडियो से आप लोग जाने हैं किस तरह से आप पहली दफा काम शुरू करेंगे, और देख सकते हैं पैसा ऐसे कुछ भी नहीं कटा, 8,047 रुपए 46 पैसा अभी भी है यहाँ पे। सो आप अगर कुछ गलत डाल देते इसका मतलब नहीं कि आपका पैसा जो है यहाँ से डिडक्ट हो जाएगा। तो आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आप समझ गए हैं कि किस तरह से आपको आगे के काम, मतलब जब आईडी एक्टिव होगा हमारी तरफ से आपको आगे कैसे कहाँ से शुरुआत करना होगा। तो आशा करता हूँ वीडियो से वीडियो आपको काफी मददगार साबित होगा ये वीडियो, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलना। इसी तरह के अपडेट को अगर आपको पहले से जानना है और टीम टेक सपोर्ट के किस तरह की वीडियो कब आ रहे हैं, कब फ्लैश सेल है, सब के विषय में जानना है, तो आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का जो नाम है, टेलीग्राम चैनल का नाम है टीम टेक सपोर्ट। ओके, ये चैनल का नाम है टीम टेक सपोर्ट और ये चैनल का लिंक है, ये लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह के अपडेट जो है रेगुलर आप सभी को ऑन टाइम मिलता रहे। अब तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।